राधे राधे। आज मैं बनाऊंगी चावल और उड़द की दाल की इडली। सूजी की तो हम बहुत बार बनाकर खाते हैं, लेकिन ये चावल और उड़द की इडली मैं किस तरीके से बनाती हूँ वो सब आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वैसे तो सब अपने हिसाब से अच्छी बनाते हैं, लेकिन मैं किस तरीके से बनाती हूँ जो बहुत ही सॉफ्ट बनती है और टेस्टी भी बनती है। ये 2 गिलास चावल मैंने भिगोए थे और 1 गिलास उड़द की दाल का छिलके वाली दाल थी, इसको भिगोकर मैंने अच्छे से रगड़ के धो लिया तो इसका छिलका उतर गया है। और ये दोनों अलग अलग पीस कर मैंने मिक्स कर लिया है, उड़द की दाल को और चावल को। उड़द की दाल तो बारीकी पीसेगी, चावल थोड़ा सा दरदरा पीसेगा सूजी की तरह। और ये नमक डाल दिया टेस्ट के अकॉर्डिंग। और ये वीडियो कल रात की, और रात को ये सब करके मैंने इसको अच्छे से उन्नी कपड़े ढककर खट्टा उठाने के लिए इसको रख दिया था। और ये ढक्कन ढक दिया है मैंने पतीले के ऊपर, और नीचे ये उन्नी कपड़ा बिछाकर इसको अच्छे से इस तरीके से कवर करके रख दूंगी और इडली बनाऊंगी सुबह। और देखिए ये सुबह इस तरीके का गोल बनकर तैयार हो गया है, और खमीर भी उठ गया है। ज़्यादा भी नहीं उठा, मीडियम सा खमीर उठा है। ज़्यादा खमीर उठने के बाद टेस्टी भी नहीं बनती, खट्टी खट्टी स्मेल आती है। और ये फ्राई पैन में मैंने मूंगफली डाल ली है, मूंगफली और चने की दाल की टेस्टी वाली चटनी बनाऊंगी बिना नारियल के। और इस तरीके से चटनी बनाने से बहुत ही टेस्टी बनती है, और इडली के साथ खाने में तो मज़ा ही आ जाता है। और बहुत ही टेस्टी बनी थी चटनी इडली और सांभर। ये रेसिपी आज मैं सब शेयर कर रही हूँ, और मैं कैसे बनाती हूँ वो सब आपको दिखाऊंगी। देखिए इस तरीके से मैंने चने की दाल और मूंगफली को सेक लिया है, और एक्स्ट्रा छिलके सब हटा चुकी थी, थोड़े बहुत लगे भी हुए थे। और 1 गिलास पानी डालकर उसको भिगो कर रख दिया 10-15 मिनट के लिए। और ये थोड़ा सा गोल एक्स्ट्रा होता है उसको पहले निकाल के रख देती हूँ। और लस्सी इसमें मैं थोड़ी सी डाल चुकी थी सारे गोल में इकट्ठी, और इकट्ठा इनो या मीठा सोडा डालेंगे तो दूसरी राउंड के लिए अच्छा नहीं है। तो एक राउंड में एक ही बार डाल के फिर दूसरे राउंड में डालूंगी। और ये आलू मैंने छील के छोटे छोटे कट कर लिए हैं। अब मैं एक साइड कुकर में सांभर चढ़ा दूंगी, और ये बैंगन डालूंगी। और कुछ सब्जी थी नहीं, पत्ता गोभी वगैरह मैं डालना नहीं चाह रही थी, तो बैंगन और आलू ही डालूंगी अरहर की दाल के साथ में, उसी का मैं सांभर बनाऊंगी। और अब मैं बैंगन छील चुकी हूँ, और इसको भी मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी। और आलू मैंने पानी में ही कट किए हैं, और बैंगन को भी मैं पानी में ही कट करूँगी। और उधर इडली का 1 राउंड बन चुका है, अब मैं ये लास्ट वाला बनाऊँगी, तब आपको मैं वीडियो में दिखाऊँगी। तब तक मैं सांभर की तैयारी कर लेती हूँ, और कुकर इडली वाला तब तक ठंडा भी हो जाएगा। ये मैंने कुकर ले लिया है, और आलू और बैंगन को मैं डाल लूँगी धोकर अच्छे से कुकर में। और ये टमाटर का मैं छिलका उतार रही हूँ, मैं छिलका उतार के ही टमाटर यूज़ करती हूँ, छिलके आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, या मैं पीस कर डालती हूँ। और सांभर में मैं डालूँगी 2 टमाटर, और थोड़ी सी डालूँगी दाल, बिल्कुल मैश करके ही सांभर बनाऊँगी जैसे रेडीमेड मिलता है उस तरीके से ही। और टमाटर को भी मैं कट कर लूँगी, छिलका तो उतरा हुआ अच्छे से मैश हो जाएगा। ये दूसरा टमाटर भी छील कर डाल लिया, और इतनी सी मैंने अरहर की दाल धोकर अच्छे से और इसमें डाल ली है। और पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं, या तो गाढ़ा खाना चाहें तो थोड़ा डाल लें, और ज़्यादा पतला खाना चाहें तो पानी ज़्यादा डाल लें। और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्दी डाल दी है सांभर के अकॉर्डिंग। और ये मैंने इतना सा पानी डाल दिया, और अब इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच धनिया पाउडर। ढक्कन बंद करके कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया, और गैस को कर दिया ऑन। मूंगफली और चने की दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, और इस जार में मैंने थोड़ी सी लस्सी डाल ली, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का, और कड़ी पत्ता, और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग चटनी में। और अब इसमें मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून जीरा। चटनी में जीरे का टेस्ट अलग से अच्छा लगता है, और बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। और ये तीखे वाली 1 मिर्च डाल दी है मैंने, ये ग्रीन वाली मिर्च थी, रेड हो गई थी रखे रखे। और इस तरीके से ये चटनी बनकर तैयार हो गई है। और जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर चटनी को पतला कर लिया है, गाढ़ी या पतली आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, मैं थोड़ी सी पतली बनाऊंगी। और फ्राई पैन गैस पे चढ़ा दिया, थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला, और उसमें सरसों ही डाली है तड़का लगाने के लिए, और थोड़ा सा हींग डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूंगी कड़ी पत्ता, और कड़ी पत्ता मैंने पहले से ही धोकर रख लिया था,
और अब इसमें मैं डाल दूंगी दो सूखी हुई लाल मिर्च के छोटे छोटे टुकड़े करके। और ये चोंक बनकर तैयार हो गया। अब इसको मैं डाल दूंगी चटनी के ऊपर इस तरीके से। और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी मूंगफली और चने की दाल की। लीजिए, चटनी बनकर तैयार हो गई है और बहुत ही टेस्टी चटनी बनी थी। रोटी के साथ या पराठे के साथ भी इस चटनी को आप खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। और इडली के साथ तो इसका अलग से ही कॉम्बिनेशन बनता है इस चटनी का। इसमें आप नारियल लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं। मैंने कुछ नहीं डाला, गोपाल जी को भोग लगाऊंगी इसलिए हम बिना ही लहसुन की खाना पसंद करते हैं सारे ही। बहुत ही कम डालती हूँ इसमें मैं लहसुन। और एक राउंड इडली का बन चुका है। और सांभर के लिए जो मैंने सब्जी और दाल चढ़ाई थी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको मैं रई से फेंट लूँगी सांभर को, ताकि टेस्ट अच्छा लगे और सब्जी की जो मोटे मोटे पीस होते हैं वो मेल्ट हो जाएंगे इस तरीके से करने से। लीजिए, मैं रई से दाल को और सब्जी को अच्छे से फेंट चुकी हूँ। और अब इसमें मैं लगा रही हूँ सांभर में तड़का। और ये सरसों तेल डाल लिया है मैंने, थोड़ा सा ही सरसों तेल डाला है। और तेल गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी सरसों, राई भी डाल सकते हैं वैसे तो आप, लेकिन मैं सरसों ही डालूँगी। ये 1/2 टेबल स्पून सरसों है। और तेल गरम हो चुका था। और अब इसमें मैं डाल दूँगी कड़ी पत्ते। ये कड़ी पत्ते अच्छे से देखकर धोकर मैंने रख लिए थे। और मैं चाकू से कट करके कड़ी पत्ते डालूँगी, क्योंकि बड़े बड़े कड़ी पत्ते आते हैं तो बच्चे नहीं खाते, अलग से निकाल देते। और ऐसे मैं बारीक पीस कर दूँगी तो सब सब्जी के साथ ही खाए जाएंगे, इनको कोई नहीं निकाल पाएगा। और कड़ी पत्ता खाना हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून सांभर मसाला डालूंगी। आप सांभर मसाला सब्जी जो उबाली है दाल के साथ उसके अकॉर्डिंग ही डाल लें। और कड़ी पत्ता भी हल्का सा ब्राउन हो गया था, अब इसमें मैंने डाल दिया हींग। और ये 2 लाल साबुत मिर्च डाल दूंगी। और लाल मिर्च भी सिक चुकी हैं। अब इसमें मैं ये सांभर जो मैंने बॉईल करके रखा हुआ था इसमें डाल दूंगी फ्राई पैन में। और फिर इसको 10-15 मिनट तक पकाऊंगी, क्योंकि मसाला डाला है और अच्छे से पक जाएगा मसाला भी। फिर अब मैं गैस को कर देती हूँ सिम। और इसको 10-15 मिनट बाद दिखाती हूँ। लीजिए, 15 मिनट हो गए इसको सांभर को पकते हुए मसाले के साथ। और बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी, और बिना प्याज लहसुन का। आप प्याज लहसुन भी डाल सकते हैं, इसमें टेस्ट तो आएगा, लेकिन मैंने गोपाल जी के लिए बनाया है तो इसलिए प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं डाला। टमाटर वगैरह सारे अच्छे से मैश हो गए हैं सब्जी में, और सारी सब्जी अच्छे से घुल गई है दाल के साथ। ये उड़द की दाल और चावल वाला घोल है। इसमें मैं 1/2 गिलास लस्सी डाल चुकी थी, और 1/2 पाउच मैंने इनो का डाला है। और ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी डाला है, ताकि इनो अच्छे से घोल में मिल जाए। और ये इडली वाला स्टैंड है, इसमें मैं देसी घी लगा चुकी हूँ, सब मैं एक साथ तैयारी करके रख दिया था। अब इसमें मैं घोल डाल दूँगी, और घोल को पतला नहीं करना है, मीडियम ही रखना है। पतला कर दोगे तो पूरे में फैल जाएगा और इडली अच्छी भी नहीं बनेगी। और इसी तरीके से मैं सब स्टैंड में ये गोल डाल देती हूँ, और फिर आपसे मिलती हूँ। लीजिए, पूरे स्टैंड में मैं ये गोल डाल चुकी थी, और ऊपर से इसका पेच भी मैंने बंद कर दिया। और कुकर में मैंने स्टैंड को रख दिया है, और 15 मिनट हो गए हैं इडली को पकते हुए। और इडली पककर तैयार हो गई है। अब इसको मैं ये नट खोल के अलग अलग प्लेट कर दूंगी, और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। और फिर मैं निकाल के आपको दिखाऊंगी कितनी टेस्टी वाली चावल और दाल की इडली बनकर तैयार हो गई है। इडली ठंडी हो गई है। अब चम्मच से मैं चारों तरफ से किनारी छुड़वा दूंगी, और फिर इस तरीके से निकाल लूंगी। और बहुत ही टेस्टी वाली इडली बनकर तैयार हो गई है, और बहुत ही सॉफ्ट बनी थी। मैंने आपको दबाकर भी दिखाया इडली को। तो चलिए, अब मैं पहले भोग लगा देती हूँ, फिर आपको दूंगी गोपाल जी का प्रसाद। आप भी आ जाइए एक बार खाने के लिए इस तरीके से टेस्टी वाली इडली। लीजिए, मैं गोपाल जी को भोग लगा चुकी हूँ, और बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट इडली बनी थी। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाएं इस तरीके से
दाल चावल वाली इडली, सूजी वाली तो हम बहुत बार बनाकर खाते हैं, लेकिन इस तरीके से बनी हुई दाल चावल वाली इडली बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत सॉफ्ट भी बनी थी। एक बार आप भी ज़रूर बनाकर खाएं, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी, नए आइडिया, नई कोई गोपाल की ड्रेस के साथ या नई कोई कुर्ती डिज़ाइन के साथ। राधे राधे।